अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चले जी, आज हम मना रहे हैं टीचर्स डे। मैं आप लोगों की मुलाकात आज करवाऊंगी अपने टीचर्स से, जो मेरे प्रोफेशनल टीचर्स रहे हैं इस सारी जर्नी में, जितने इयर्स मुझे यहाँ पे हो गए हैं इस इंस्टीट्यूशन में, एंड जिन्होंने मुझे हर कदम पे गाइड किया है और मुझे ट्रेन किया है और मुझे बताया है सारा कुछ। तो आज मैं आपकी मुलाकात उन एक दो तीन कुछ लोग हैं उनसे करवाती हूँ। कम विद मी। अच्छा जी, मेरे साथ है मेरी सबसे पहली प्रोफेशनल टीचर, जिन्होंने मुझे शुरू में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, उनको डील कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके पास आई थी। ये है मिसेस नबीहा, ये है मेरी प्रोफेशनल टीचर। अस्सलामुअलैकुम। इनसे हम पूछेंगे कि उस ज़माने के बच्चों में और आजकल के ज़माने के बच्चों में फ़र्क क्या है, जो मेजर फर्क इनको नज़र आता है। ओबीडियंस और रिस्पेक्ट। ओके, ये मेजर फर्क है बेसिकली। और हमारे जैसे स्टूडेंट आपको कैसे लगते हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उनके बाद मेरी जो दूसरी प्रोफेशनल टीचर रही हैं, वो उनसे मुलाकात मैं आप लोगों के भी करवाती हूँ। उन्होंने भी भाई कोई जैसे कहते हैं ना, छोटी 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 चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने, अभी तक सीख रही हूँ। तो आगे देखिए, अल्लाह करेगा कब तक ये सफ़र साथ चलता है। तो आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ, आप लोग सब उनको जानते होंगे। खैर जी, मैं बताती हूँ। ये लें जी, मिले जी इनसे, ये है मिसेस बुशरा। जी बुशरा, कैसी हैं? आपको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। हम आपको अपना प्रोफेशनल टीचर मानते हैं। थैंक यू जी, आप तो आप बहुत बढ़ गई हैं, हमसे भी ज्यादा बढ़ गई हैं। नहीं नहीं, हमारी मजाल है, हमारी इतनी मजाल। स्टूडेंट हमेशा टीचर से विद द टाइम ज्यादा सीख लेता है, तो टीचर जो होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की एफर्ट्स हैं। एक सवाल जो मैंने अभी पहले भी अपनी टीचर से पूछा है, पहले जमाने के बच्चों में और आजकल के बच्चों में क्या फर्क नजर आता है आपको? पहले वाले बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, अब वो वाली चीजें नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही। इवन जस्ट अभी मैंने अपनी बेटी को ही देखा, कहती कि अभी उनका टाइम हमारे से भी बहुत डिफरेंस है। कहती हमारी क्लास में होते, जब हम होते थे तो बहुत रेयर कोई 1% बच्चा कुछ कहता था, लेकिन अब तो पूरे के पूरे बच्चे मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट, दे डोंट नो दैट टीचर इज देयर। हम तो उनकी बात पूरी की पूरी सुनते थे, तो ये मतलब उस टाइम पे हम लोगों को इतना डर था कि हम उनसे डिस्कस करते वक्त भी सोचते टीचर से, हाँ टीचर से बात करने से पहले हम लोग 10 दफा सोचते थे कि हमें टीचर से को बात करनी है। हाँ जी, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? मीडिया को, मीडिया और पेरेंट्स को, जो कि घर से, क्योंकि मैनर बच्चा हमेशा पेरेंट्स से सीखता है, स्कूल वाले उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू में जो बच्चों को मैनर्स है ना वो पेरेंट्स सिखाते हैं। और हमारे जैसे जो प्रोफेशनल स्टूडेंट आपके हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो माशाल्लाह है, उनको तो हमने सोना से कुंदन बना दिया। गुड गुड, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू।